Our today's topic is relative velocity. So what is relative velocity? What is relative velocity? Relative velocity means when one body moves with respect to other. Okay. Suppose my input ground. This is a person is here at this point M. Or a train may be ja raha hai. This is a moving train. A train is taraf aa raha hai. Theek hai. Another train jo isko cross kar raha hai. So ye suppose 40 km per hour mein ja raha hai. ये 20 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है। तो अगर इस जगह पे है इन पर है ये ट्रेन के अंदर जिसका स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, इस ट्रेन का अगर वेलोसिटी मेजर करेगा इस ट्रेन में बैठ के तो उसको क्या कहा जाएगा? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू दिस, मतलब यहाँ बैठ के इसका वेलोसिटी मेजर किया। ठीक है, तो जब ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करता है तो क्या लगता है कि वो ट्रेन बहुत स्पीड में क्रॉस कर रहा है। ठीक है, कितना आएगा इसका वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाता है, कितना हो जाता है 40 + 20 = 60 kph दिखेगा, 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई आदमी है और इस ट्रेन को देखेगा तो उसको भी कितना लगेगा ये ट्रेन कितना स्पीड में क्रॉस कर रहा, उसको क्या दिखेगा कि ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर पे इसको क्रॉस कर रहा। खाली इस आदमी को देखेगा ट्रेन इधर जा रहा, इसको यहाँ पर देखेगा ट्रेन इस तरफ जा रहा। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, एक बॉडी का रिलेटिव वेलोसिटी दूसरे के रेस्पेक्ट में और फर्स्ट बॉडी का वेलोसिटी सेकेंड के रेस्पेक्ट में और सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी फर्स्ट के रेस्पेक्ट में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, खाली डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, सपोज ये एक केस हो गया, केस वन। सपोज तुम एक मूविंग ट्रेन में हो तो तुमको क्या लगता है कि ये जो ट्रीज है, दिस ट्रीज आर गोइंग बैकवर्ड। ठीक है, तो तुम्हारी वेलोसिटी इसमें ऐड हो जाता है। केस थ्री कैसा है कि सपोज यू आर मूविंग विद स्पीड से 60 किलोमीटर पर आवर और तुमको एक दूसरा ट्रेन आके क्रॉस कर रहा है 80 किलोमीटर पर आवर, तो तब यहाँ पर अगर तुम हो और इनका अगर तुम वेलोसिटी देखोगे तो तुमको क्या लगेगा ये ट्रेन क्रॉस तो कर रहा, कितने किलोमीटर पर क्रॉस कर रहा, 20 किलोमीटर पर आवर, तुम्हारा वेलोसिटी इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक केस ये भी होगा कि सपोज तुम बस के अंदर हो, मूविंग बस, और एक ट्रेन ऐसे रेलवे ट्रैक से गुजर रहा है, दिस इज अ मूविंग ट्रेन, तुम इस बस में रह के इस ट्रेन का एक वेलोसिटी एस्टिमेट किया। ठीक है, तो जो कि कोई भी एंगल नहीं, इसमें क्या था एक दूसरे के ऑपोजिट था, स्ट्रेट लाइन में था बट ऑपोजिट वेक्टर था, इसमें क्या था पैरेलल ट्रैक है सेम डायरेक्शन। ओके, अच्छा इसमें ये एक स्पेशल केस था जिसमें एक बॉडी रेस्ट में है एक बॉडी मूव कर रहा, इसमें क्या है कि दिस वेलोसिटी दिस इज दिस बॉडी एंड दिस बॉडी दे आर मूविंग एट एनी एंगल थीटा, कोई भी एंगल में है। तो आज के क्लास में रिलेटिव वेलोसिटी में हम लोग ये सब सीखेंगे कि किस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी निकाला जाता है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिलेटिव वेलोसिटी। ऐसे अगर देखा जाए सभी चीज रिलेटिव वेलोसिटी में ही है, नथिंग इज एट रेस्ट। अगर तुम ये समझते हो कि तुम आर्क में खड़े हो और एक ट्रेन मूव कर रहा है, तुम उसका वेलोसिटी मेजर कर रहे हो, यू आर एट रेस्ट, एक्चुअली अर्थ इज मूविंग सो यू आर ऑल्सो मूविंग। ओके, तो ऐसे देखा जाए एब्सोल्यूट रेस्ट में कोई भी बॉडी नहीं है। ठीक है, ऑल आर मूविंग। तो फिर आता है एक टर्म जिसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, तो उसमें हम बाद में जाएंगे, पहले हम ये देखेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। जैसे एक एग्जांपल
जब तुम सपोज एक अम्ब्रेला लेके तुम खड़े हो, ओके, ऐसे, और इस अम्ब्रेला को तुमको ये रेन ड्रॉप्स जो है ना वर्टिकली गिर रहा, अम्ब्रेला को कैसा वर्टिकली तुमको रखना पड़ेगा प्रोटेक्ट करने के लिए, पर जैसे तुम दौड़ना चालू करते हो तो क्या करना पड़ता है, अम्ब्रेला को थोड़ा टिल्ट करना पड़ता है, थोड़ा झुकाना पड़ता है सामने की तरफ, क्यों ऐसा क्यों, रेन तो इसी डायरेक्शन में पड़ रहा बिकॉज ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। या तुम कभी कभी देखे होंगे कि जो साइकिल एक हाथ में हैंडल पकड़ रहा है साइकिल का, एक हाथ में अम्ब्रेला पकड़ रहा है, तो जितना स्पीड में वो साइकिल को चलाएगा उतना एंगल में उसको अम्ब्रेला को झुकाना पड़ रहा है, ठीक है। अच्छा, क्विकेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ का भी हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी में। क्विकेस्ट पाथ शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, सपोज एक फ्लोइंग रिवर है, ठीक है, दिस इज अ फ्लोइंग रिवर, और तुम यहाँ पर तुम हो एंड पॉइंट पर और तुमको पहुंचना है एंड पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ दो टर्म आता है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, ये कब होता है जब एक दूसरे के पैरेलल है, तो अगर रिवर इस तरफ फ्लो कर रहा और तुम भी इसी तरफ स्विमिंग कर रहे हो तो इसको क्या कहेंगे हम, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, तो तुमको क्या मिलेगा, रिवर का जो भी वेलोसिटी से रिवर का वाटर फ्लो होगा और तुम्हारा जो अपना स्पीड है स्विमिंग का दोनों ऐड हो जाएगा, ठीक है, ऐड हो जाएगा, तुम फर्स्ट मूव करने लगोगे, तो इसको क्या कहा जाता, इसको कहा जाता डाउन स्ट्रीम मोशन, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। अच्छा, अगर तुम रिवर ऐसे फ्लो कर रहे हो और तुम ऐसे फ्लो कर रहे हो, तुम ऐसे स्विमिंग कर रहे हो ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर, तो उसमें क्या कंडीशन होना चाहिए कि रिवर का जो फ्लो है, फ्लो का जो स्पीड है उससे तुम्हारा स्विमिंग स्पीड ज्यादा होना चाहिए, देन ओनली यू कैन कम, यू कैन क्रॉस सम डिस्टेंस। अगर तुमसे रिवर का ही फ्लो का वेलोसिटी ज्यादा होगा सो क्या हो जाएगा, यू कैन नॉट कम, मतलब तुम डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते। सपोज रिवर फ्लो कर रहा है सपोज 20 किलोमीटर पर आवर पे और तुम्हारा है स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, तो तुम्हारा स्पीड कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 20 किलोमीटर हो जाएगा, 40 माइनस 20, तो अपस्ट्रीम में क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। तो अभी हम इसको भी इस टाइप का प्रॉब्लम भी हमको फेस करना पड़ता है, सपोज तुम यहाँ पर हो और ये फ्लोइंग रिवर है और तुमको एग्जैक्टली इस पॉइंट पर पहुंचना है, मतलब शॉर्टेस्ट वर्टिकल परपेंडिकुलर डिस्टेंस में यहाँ पहुंचना है, तुम अगर ऐसा चलना चालू करोगे सीधा उस पॉइंट की तरफ स्विमिंग करना चालू करोगे तुम यहाँ नहीं पहुंचोगे, क्यों, क्योंकि जो वाटर का फ्लो है वो तुमको क्या करेगा, ढकेल के तुमको इस पॉइंट तक लेके जाएगा, करेक्ट, तो तुम इस जगह पे ना पहुंच कर इस जगह पे पहुंच जाओगे। तो अगर इस जगह पे तुमको पहुंचना है तो क्या करना पड़ेगा, तुमको इस डायरेक्शन में अपना मोशन शुरू करना पड़ेगा, स्विमिंग इस डायरेक्शन में करना पड़ेगा, तभी जाके तुम इसमें पहुंचोगे। तो ये सब न्यूमेरिकल आएगा कि एक रिवर फ्लो कर रहा है इतना स्पीड से फ्लो कर रहा है, कितना एंगल से तुमको स्विमिंग करना है ताकि तुम जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंचो, ऑपोजिट रिवर का ऑपोजिट बैंक में पहुंचो। सिमिलरली अगर ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि शॉर्टेस्ट पाथ, थोड़ा सा उसका रिवर का फ्लो का स्पीड तुम्हारे साथ ऐड भी हो जाएगा और क्विकेस्ट टाइम शॉर्टेस्ट पाथ के साथ का प्रॉब्लम हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी में बाद में सॉल्व करेंगे, पहले तो हम बेसिक और रिलेटिव वेलोसिटी समझने का कोशिश करते हैं। सो लेट अस सी डिफरेंट केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाला जाता है। तो इसमें सिंपल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेलोसिटी। तो हम सिंपल केस लेते हैं, केस वन, when both the bodies are moving in the same direction, okay, in a parallel track, okay, so first case kya hai, suppose there is a body A which is moving at a velocity u and there is another body B which is moving with a velocity v, to main suppose B mein hu aur B mein hu kar main A ka velocity nikalna chahta hu to kitna aayega, जितनी भी वेलोसिटी निकाले जाएगा सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, स्टेप वन क्या है, जिस बॉडी के रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है
उस बॉडी को रेस्ट मिलाओ। तो मैं सपोज बी में हूं या मैं ए में हूं, चलो कहां से निकलना है बोलो, बी में रह के ए का निकलना है या ए में रह के बी का निकलना है। तो मैं सपोज फाइंडिंग वेलोसिटी ऑफ ए स्ट्रेट बॉन्ड में एक काम करना चाहता हूं, टू फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, मतलब मैं बी में हूं और ए का वेलोसिटी निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, जिसके रेस्पेक्ट में ओके, सो जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है उसको रेस्ट में जाओ। तो बी के रेस्पेक्ट में निकालना है, चलिए ये बी कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा, बी वेलोसिटी से, इसको रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस बी लगाना पड़ेगा। तो जितना वेक्टर है वही सेम वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दो, कितना माइनस बी। फर्स्ट स्टेप हो गया, जिस बॉडी के रेस्पेक्ट में निकालना है उसको रेस्ट में लाओ। स्टेप टू, जितना वेलोसिटी इसमें ऐड किया इसको रेस्ट में लाने के लिए उतना वेलोसिटी फर्स्ट बॉडी में अप्लाई करो। तो क्या हो जाएगा, ये बॉडी जो है ना, ये बॉडी यू स्पीड से यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था, इसमें मुझे माइनस भी लगाना है। तो जितना लेंथ ऑफ द एरो है, लेंथ ऑफ द एरो को क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड, ओके, वही डायरेक्शन वही लेंथ का एक वेक्टर इधर ड्रॉ करो। दिस इज ट्रूली रिप्रेजेंटिंग माइनस भी, ठीक है। स्टेप टू का काम हो गया, स्टेप टू में क्या कहा गया, जितना वेलोसिटी तुमने बी में लगाया उसको रेस्ट में लगाने के लिए उतना वेलोसिटी ए में भी लगाओ। अभी तुम यहाँ पर ए में रिजल्टेंट निकालो, एक वेलोसिटी इधर है एक वेलोसिटी इधर है, तो दोनों के बीच में क्या है 180 डिग्री का एंगल है, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ये बड़ा वेलोसिटी, इसका लेंथ ज्यादा है इसका कम है, देखो मैंने ऐसे दिया, तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा, वी माइनस क्यू, और डायरेक्शन किस तरफ होगा, इस तरफ। इसका मतलब ये है कि मैं अगर ज्यादा वेलोसिटी से मूव करूंगा तो ए को कैसा नजर कैसा आएगा कि ए इस तरफ भाग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, और कितने स्पीड से भाग रहा है, वी माइनस यू से, ठीक है। या तुम ऐसे बोलो रिलेटिव वेलोसिटी ना क्यू माइनस, क्योंकि v ज्यादा है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव मतलब मैं अगर ऐसे जाऊंगा तो ये ट्रेन जा तो रहा है इस तरफ, लेकिन चूंकि मैं मूविंग ट्रेन में बैठ के इसको देख रहा हूं तो ये लगेगा ये u माइनस v स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। सो स्टेप थ्री में क्या था, फर्स्ट स्टेप में रेस्ट में लाऊ, सेकेंड स्टेप में सेम वेक्टर ऐड करो, स्टेप थ्री में क्या कहा मैंने, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी, ओके, फाइंड रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट, एक ही स्टेप है, रिजल्टेंट कितना हो गया यू माइनस, तो बी चूंकि बड़ा है तो रिजल्टेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा मतलब जिस तरफ मैं सोच रहा हूँ उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। ये क्लियर हो गया, व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन अ पैरेलल ट्रैक इन द सेम डायरेक्शन हाउ टू फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी। नाउ केस टू लेता हूं मैं, केस टू, इसमें बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन अ पैरेलल ट्रैक बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब ए इन वेलोसिटी से जा रहा और बी बी वेलोसिटी से जा रहा। अब हमको कहा गया फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपका, जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है, ये वेक्टर है स्ट्रेट, जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है उसको रेस्ट में लाओ। किसको रेस्ट में लाना पड़ेगा, विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है ना, हम लोग क्या करेंगे, फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड नहीं, ओके, तो वी आर फाइंडिंग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ
A with respect to B. Okay, तो B को इसमें लाना है, B कितना, B जो है V velocity से ज्यादा है, V velocity से ज्यादा. इसको रेश में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरफ एक वेलोसिटी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, कितना, माइनस भी ऐड करना पड़ेगा. This body is brought to rest. इसको रेस्ट मिलाएगी. स्टेप टू में मैंने क्या कहा था, एट द सेम वेलोसिटी वेक्टर व्हिच यू हैव एडेड टू ब्रिंग एट अ रेस्ट टू द फर्स्ट बॉडी, जिसको जिसकी वेलोसिटी निकालना है. ओके, तो चलो ए वेलोसिटी, ए जो बॉडी है वो ऐसे भी इन स्पीड से मूव कर रहा था, है ना. इसमें अगर मैं माइनस भी ऐड कर दिया, इसके ऊपर माइनस भी ऐड कर दिया, ठीक है, सेम वेलोसिटी इसमें ऐड कर दिया. ओके, तो कितना हो जाएगा वेलोसिटी, ए माइनस क्या इंडिकेट करता है कि भाई इसका डायरेक्शन भी इस तरफ है तो डायरेक्शन इधर है. तो इधर कितना हो गया, टोटल दोनों वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है. ए में क्या हो गया, एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर सेम डायरेक्शन में ऐड हुआ. तो स्टेप थ्री में क्या करना पड़ेगा मुझे, फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी एट ए. तो एक यू है और एक माइनस माइनस भी, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा दोनों का, तो हो जाएगा यू प्लस वी. इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे क्रॉस करूंगा तो मुझे ए का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, आ जाएगा यू प्लस वी, मेरा जो भी वेलोसिटी है उसमें वो एड हो जाएगा. क्लियर, सो दिस इज हाउ द रिलेटिव वेलोसिटी of a body can be determined with respect to other when they are moving in a parallel track, whether in the same direction or in opposite direction. Clear ho gaya? Now third ek case lete hain, jisme two bodies are moving in any direction. Isme kya tha, angle is was 180 degree tha ya 0 degree jo bhi hai. Abhi main kya kar raha hu, suppose I am moving in a, this is a road, bus se main move kar raha hu, a mein, ठीक है, और एक ट्रेन है जो कि ऐसे मूव कर, ये यू है, ये भी है, ठीक है, दिस इज अ बॉडी. अभी मुझे कहा गया कि भाई एक काम करो, आप ए में रह के, मतलब ये बस में रह के इस ट्रेन का कितना वेलोसिटी अगर मेजर करोगे तो कितना वेलोसिटी आएगा, ठीक है, वो तो कैसे निकालेंगे. So when two bodies, ये case three क्या है, when two bodies are moving along any direction, case three क्या है, find the relative velocity, find relative velocity of B with respect to A when two bodies are moving along any direction. Any direction का मतलब क्या हो गया कि अगर ये दोनों vector के बीच के angle क्या है, theta angle है, ठीक है, U एंड V के बीच में, V इस तरफ है, U इस तरफ है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन द. चलो नाउ अभी कैसे करेंगे इसको, निकालेंगे कैसे, दैट इज द क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे, वही बेसिक प्रिंसिपल लगाएंगे विद रेस्पेक्ट टू A कहा गया. सो फर्स्ट स्टेप में क्या कहा गया, भाई जिसके रिस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है उसको रेस्ट में लाओ. किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में. ए को रेस्ट में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यू से जा रहा है, इसको रेस्ट में तभी ला सकते हैं अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में माइनस सी लगा दिया ना. सेम लेंथ देख लेना, ये वेक्टर डायग्राम है तो थोड़ा संभाल के करना है, जितना इसका लेंथ है उतना ही ये भी देखना चाहिए, बिकॉज वेक्टर डायग्राम है तो माइनस सी लगाना पड़ा. फर्स्ट काम हो गया, एक और रेस्ट मिला है बाय एडिंग ऑपोजिट एंड इक्वल वेक्टर. नाउ स्टेप टू, स्टेप टू, स्टेप टू में क्या कहा गया, जितना वेलोसिटी इसमें तुमने ऐड किया उतना वेलोसिटी इसमें भी ऐड करो, ठीक है. तो मैं अभी फिलहाल इसको बता देता हूं. अभी हम स्टेप टू कर रहे हैं.
स्टेप टू में क्या माइनस वे माइनस यू ऐड करना पड़ा था ए में, सो यू ऐड माइनस यू, करेक्ट, दिस इज माइनस. नाउ अभी कहा गया कि अभी आप दोनों को स्टेप थ्री में क्या करना है, फाइंड द रिजल्टेंट एट द पॉइंट बी. रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, वेरी इजी, एक वेक्टर ये है एक वेक्टर ये है, हमको दोनों का रिजल्टेंट निकलना है, राइट, वेलोसिटी निकलना है. क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम सच दैट द टू वेक्टर्स आर द साइज ऑफ दिस पैरेललोग्राम, करेक्ट. ये पैरेललोग्राम को हमने कंप्लीट किया. अभी इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, दिस डायगोनल विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, ओके. सो To find the resultant, this is a. तो मैंने क्या बोला, यू और वी के बीच में एंगल कितना था, थीटा था ना, तो वी और माइनस यू के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा. नाउ अभी जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर पी है एक वेक्टर क्यू है, ठीक है, और अगर हमको इसका डायगोनल निकालना है तो हम क्या करते, रिजल्टेंट इज रूट ओवर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, करेक्ट, दिस इज द रिजल्टेंट डायगोनल. तो इसमें कितना हो जाएगा डायगोनल, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर यू स्क्वायर टू यू इंटू वी इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, करेक्ट, एंगल बिटवीन देम इज 180 माइनस थीटा. So R equal to cos 180 minus theta is sin theta. क्यों? देखो ये all sin tan cos. ठीक है? तो एक तो है कि ये 180 minus theta मतलब क्या हो गया? ये even number है. तो cos cos ही जाएगा. 180 minus theta में ये इस second quadrant में है. तो क्या हो जाएगा? Second quadrant में sin का quadrant है ये. इसलिए ये माइनस कॉस थीटा होगा. तो आर इज स्क्वायर इधर चला गया, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस टू यू वी कॉस थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट, ओके. अच्छा रिजल्टेंट का रिजल्टेंट वेलोसिटी है ना, उसका तो डायरेक्शन भी होगा, ये तो रिजल्टेंट मिला. इसका मतलब ये है कि अगर तुम बस में हो और तुम्हारे बस सपोज 40 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, और एक ट्रेन है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, और दोनों का एंगल बीच में मान लो 45 डिग्री है या 60 डिग्री है, ओके. तो तुम बस में बैठ के इस ट्रेन का कितना वेलोसिटी देखोगे, 60 स्क्वायर 40 स्क्वायर माइनस 2 60 40 cos of angle between them, correct. तो जितने अगर 60 degree angle है तो 180 minus 60 जो भी है 120 लेना पड़ेगा, इससे हमको मिल जाएगा, ओके. एंड द रिजल्टेंट कितना एंगल बनाना, वी के साथ सपोज ये एंगल बनाना ये अल्फा, इसको भी हम निकाल सकते हैं, करेक्ट. ये कैसे निकालेंगे, ये तो हो गया रिजल्टेंट. इतना मुझे क्या दिखेगा, ये ट्रेन जो इस तरफ जा रहा है ना, ऐसा जाता हुआ नहीं दिखेगा हमको, क्या दिखेगा, ये ट्रेन इस तरफ थोड़ा सा तिरछा हो गया, करेक्ट, दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी. अच्छा रिजल्टेंट का ये एंगल कितना होता है, तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बैठ के आंसर करो, इसलिए थोड़ा सा मुझे डेरिवेशन करना पड़ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये तो ठीक है मैंने बता दिया कि आर स्क्वायर इज दिस दिस दिस, बट एंगल कैसे होता है, सपोज एक वेक्टर है पी दूसरा वेक्टर, थोड़ा सा ये डिराइव आराम से कर सकते हो, ये एंगल है अल्फा, ठीक है, ये अल्फा एंगल, तो ये पी होगा तो ये भी पी होगा, ये अगर थीटा है दोनों के बीच का एंगल तो ये कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा P P by H, ये हो जाएगा P cos theta और ये perpendicular हो जाएगा P sin theta, ठीक है.
तो tan थीटा कितना हो जाएगा, tan अल्फा, बड़ा वाला tan ले लो, tan अल्फा कितना हो जाएगा p by b, तो ये p हो गया p sin थीटा by this, बीच में क्या है q, और ये q हो गया q, और ये जो है ये हो गया p sin थीटा, सॉरी p cos थीटा। तो ये क्या रिजल्टेंट अगर अल्फा एंगल बनाते हैं और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो tan अल्फा इन टर्म्स ऑफ दिस टू वेक्टर p and q इज दिस, इसमें क्या हो गया, सपोज रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल अल्फा, तो tan अल्फा कितना हो जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा p sin थीटा। तो कोई भी चलो मतलब किसके साथ, जिसके साथ एंगल अल्फा किसके साथ बनाया, क्यू के साथ बनाया, तो क्यू को एक ही बार लिखना है, ये फॉर्मूला को अगर रखना है तो क्या देखो p दो बार आया, एक बार साइन के साथ एक बार कॉस के साथ, है ना, p के साथ क्या रिजल्टेंट एंगल बनाया, नहीं, रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बनाया, क्यू के साथ, तो जिसके साथ एंगल बनाया रिजल्टेंट क्यू वो एक ही बार आएगा डिनोमिनेटर में आएगा, उसमें ना तो रहेगा साइन ना कॉस, और जिसके साथ नहीं बनाया वो दो बार आएगा, ऊपर में साइन के साथ नीचे में कॉस के साथ। तो मेरा भी यही हाल है इधर कि ये जो रिजल्टेंट है किसके साथ एंगल नहीं, किसके साथ एंगल बनाया, वी के साथ एंगल बनाया, तो वी को हम क्या करेंगे एक ही बार लिखेंगे, जिसके साथ एंगल बनाया वो नीचे में एक बार लिखा जाता है, देखो ना क्यू के साथ एंगल बना नीचे लिखा, यहाँ वी आ जाएगा, और प्लस जिसके साथ नहीं बनाया एंगल वी उसको कॉस थीटा लिखो, तो इसके साथ नहीं बनाया यू, तो यू कॉस ऑफ एंगल कितना हो गया 180 माइनस थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 180 माइनस थीटा है, और न्यूमरेटर में क्या होगा पी साइन थीटा, पी क्या है जिसके साथ एंगल नहीं बनाया, यानी दिस इज यू, है ना, यू साइन एंगल कितना है दोनों वेक्टर के बीच में 180 माइनस थीटा, ठीक है, सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और साइन टैन को सोने में, तो दिस विल बी यू साइन थीटा बाय वी माइनस यू कॉस थीटा, वी कॉस 180 माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। तो इस तरह से हमने एक बॉक्स में रहते हुए एक फ्रेम का रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों निकल दिया, ठीक है। सो अभी ये थ्योरेटिकल बातें हो गया कि रिलेटिव वेलोसिटी में तीन स्टेप है, और रिलेटिव वेलोसिटी में चाहे पैरेलल हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो चाहे कोई भी एंगल, मुझे तीनों केसेस में रिलेटिव वेलोसिटी में निकलने के लिए फर्स्ट स्टेप में क्या है, जिस बॉडी में हो जहां से तुम मेजर कर रहे हो उसको रेस्ट में लाओ, सेम वेलोसिटी वेक्टर पहले बॉडी में डालो, और वो जिस बॉडी में डाला है तुम्हारा वेक्टर जिसमें तुम हो वहां पर रिजल्टेंट निकालो, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए कि रिलेटिव वेलोसिटी का थ्योरी समझ गए कि हाउ टू फाइंड आउट द रिलेटिव वेलोसिटी, ठीक है। चलो अभी साथ साथ और एक छोटा सा टॉपिक है अभी कंप्लीट कर लेते हैं, दैट इज कोलिशन, वेरी स्मॉल टॉपिक, एटलीस्ट थ्योरी तो इजी है, पोल्यूशन मतलब धक्का टक रहना, ठीक है। सो पोल्यूशन दो तरह का होता है, एक हो गया इनइलास्टिक पोल्यूशन, इनइलास्टिक पोल्यूशन मतलब उसमें सपोज एक तुम्हारा मिट्टी का एक तुमने बॉल बनाया और दीवार के साथ मारा, ओके दीवार में मारा तो क्या चिपक जाएगा जाकर, वो तो रिबाउंड होकर वापस आने वाला नहीं है, और एक टेनिस बॉल मारा तो वापस आ गया, ओके। सो ये है इलास्टिक पोल्यूशन। इलास्टिक पोल्यूशन में क्या होता है कि मूविंग बॉडी का तो जो टर्म रहेगा फिजिकल टर्म, क्या फिजिकल क्वांटिटी है, एक मोमेंटम दूसरा काइनेटिक एनर्जी, तो जिस तरह का पोल्यूशन में लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है, कंजर्वेशन मतलब क्या है, टकराने के पहले पोल्यूशन के पहले टोटल दोनों दो बॉडी टकरा रहा है एक दूसरे से, हा? तो वो कोलिशन होने के पहले
इंडिविजुअली इसका लिनियर मोमेंटम और इसका लिनियर मोमेंटम ऐड कर लो, मतलब देख के रखो, ऐड करो, और टकराने के बाद भी दोनों बॉडी एक दूसरे से भागेगा, दूसरे अलग अलग स्पीड हो जाएगा, उस समय उसका उन दोनों का जो लिनियर मोमेंटम है उनको उन दोनों को भी जोड़ो, ठीक है? तो इनिशियल मोमेंटम ओके ऑफ बोथ द बॉडीज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन दोनों अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे उसको क्या कि मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंजर्व्ड, मतलब कोलिजन के पहले दोनों बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड कोलिजन के बाद दोनों बॉडी का टोटल काइनेटिक एनर्जी दे विल रिमेन सेम। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन ही पढ़ना है हमको। इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इन सच ए वे दैट लिनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व, देन वी कॉल इट इलास्टिक कोलिजन। ओके चल, अभी हम एक फिजिक्स यूज करके क्या मैं पहले से बोल सकता हूँ कि कोलिजन होने के बाद दोनों बॉडी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा? ओके, वी लर्न दिस ट्रिक कि हाउ फिजिक्स हेल्प्स यू टू डिराइव व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। इफ यू नो द मास ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज बिफोर कोलिजन, देन यू कैन प्रेडिक्ट, यू कैन कैलकुलेट कि इलास्टिक कोलिजन होने के बाद ये दोनों बॉडी कितना स्पीड से जाएगा। ओके, सो लेट अस सी। तो हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। सो एक बॉडी मैंने ये लिया ए, जिसका मास है m1, जिसका वेलोसिटी है u, ठीक है? दूसरा एक बॉडी ले लेता हूं मैं, दिस इज द बॉडी b। अच्छा, इसका मास है m2, इसका वेलोसिटी है u2। बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, लेट अस से दे आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इसका वेलोसिटी ज्यादा है इसलिए कोलिजन होगा। ओके, कोलिजन होगा, कोलिजन होने के बाद इस बॉडी का वेलोसिटी हो गया जो ए था, ए वन मास का, उसका वेलोसिटी हो गया सपोज बी वन। आई डोंट नो व्हाट इज बी वन, हमको निकालना पड़ेगा। ओके, ए बॉडी जो ए वन मास का था उसका वेलोसिटी हो गया बी वन, और जो बी बॉडी था, बी बॉडी है, इसका वेलोसिटी हो गया बी टू, इसका मास कितना है। तो फिजिक्स मुझे ये हेल्प करेगा कि अगर मुझे इन दोनों बॉडी का इनिशियल मास, दोनों बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो आफ्टर कोलिजन ये दो जो फाइनल वेलोसिटी हुआ वी वन वी टू, ये कितना होगा ये कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा, ठीक है? सो अब हम क्या करेंगे, अप्लाई इलास्टिक कोलिजन का कंडीशन लगाते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, लिनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू लिनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना हुआ, मोमेंटम मतलब मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड बॉडी का मोमेंटम कितना हो गया, उसका मास इनटू वेलोसिटी। आफ्टर कोलिजन, कोलिजन के बाद फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम कितना हो गया m1 v1, सेकंड बॉडी का वेलोसिटी के मोमेंटम कितना हो गया m2 v2, करेक्ट? ठीक है, सिंपल है। दिस इज कॉल्ड मोमेंटम कंजर्वेशन मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम इज द प्लूरल वर्ड ऑफ मोमेंटम। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। चलो अभी काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो कंसेप्ट। काइनेटिक एनर्जी कैसे, इसका कितना काइनेटिक एनर्जी होगा, हाफ एम वन टी वन स्क्वायर। इसका कितना होगा, हाफ m2 q2 square, ठीक है? After collision, इसका kinetic energy कितना है, half m1 v1 square. इसका कितना है, half m2 v2 square, ठीक है? तो मेरा दो equation है, दो unknown है, क्या क्या unknown है, v1 v2। तो अगर दो equation है, दो variable है, दो unknown है, तो हम निकल सकते हैं सॉल्व करके, तो सॉल्व इट वेरी इजी। तो हाफ 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 कैंसिल, ठीक है? अच्छा,
चलो m1 को इधर लो, m1 u1 square minus v1 square, a square minus b square, तो क्या हो गया u1 minus v1, u1 plus v1, m2 को इस तरफ लेके जाओ, m2, ये क्या हो गया v2 square, इधर v2 square, इस तरफ ले आएगा, तो v2 minus u2, and v2 plus u2, ठीक है? फर्स्ट इक्वेशन से देखो, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं ना, तो m1 u1 इधर से m1 को लेके आओ, तो m1 इक्वेशन नंबर वन से m1 u1 माइनस v1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2, ठीक है? मतलब m1 u1 माइनस v1 इज m2 v2 माइनस u2, ठीक है? ये दोनों टर्म सेम ही है, इसको निकालो, करेक्ट? तो क्या हो गया, ये इक्वल कैंसिल हो गया m2 के साथ, तो क्या हो गया v1 इक्वल टू, ठीक है, v1 इक्वल टू v2, यहाँ पे u1 है v2 प्लस u2 माइनस v1, v1 इक्वल टू This is equation number. ठीक है, फर्स्ट बॉडी का फाइनल वेलोसिटी, जो चलो v2 है, तो अगर मैं इस इक्वेशन में, इसमें क्या है, ये इस इक्वेशन में लेते ओके है, तो v1 का मुझे पता चल गया, तो अगर मैं v1 के जगह पे ये पुट कर दिया है ना, v1 का जगह पे यहाँ पर, तो सब कुछ मेरा v2 के टर्म में आ जाएगा, है ना? यहाँ पर v1 के जगह पे इस इक्वेशन में को देखो, इसमें क्या है, तो कुछ रब करना पड़ेगा, पहले मैं इसको रब कर सकता हूँ, नहीं इसको निकलता हूँ, मुझे अभी v1 की जगह पे ये पुट कर देना है, तो क्या हो गया m1 u1 plus m2 u2 equal to m1 v1, मतलब क्या हो जाएगा, m1 v1 की जगह पे ये पुट कर दो v2 plus m1 u2, और क्या हो गया m1 and u1 minus m1 u1, और ये हो गया m2 v2, जो पहले का टर्म है, ठीक है? तो देखो, ओके, तो अभी निकलना क्या है मुझे, v1 v2 निकलना है ना, ठीक है, चलो v2 और v2 रखो इस तरफ, इधर करो, बाकी सबको इस तरफ लेके आ जाओ, ठीक है? इधर क्या है m1 u1, इधर क्या है m1 u2, ठीक है? इधर एक है m1 e1, तो ये हो गया कितना, ओके, सो नाउ दिस इज m1 e1 है, इधर भी एक m1 e1 है, तो इस तरह आएगा तो 2 m1 e1 हो गया, करेक्ट? अच्छा, इधर क्या है m2 e2 है, अच्छा, इधर से m1 e2, मतलब अगर e2 कॉमन ले लेंगे इस तरफ ले आकर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्लस m2 minus m1 into u2, ठीक है, equal to, इधर v1 में क्या है, एक स्टेप और करते हैं, v2 इधर कॉमन लिया, क्या हो जाएगा m1 plus m2 v2, तो v2 क्या होगा, v2 is very simple, सब सभी इक्वेशन को m1 plus m2 से सब टर्म को डिवाइड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 2m1 by m1 plus m2 e1, ये कितना हो जाएगा plus, मैं m1 plus m2 से सबको डिवाइड कर रहा हूं, तो इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा m2 minus m1, m2 minus m1 by m1 plus m2 into u2,
तो देखो इसमें दोनों का पहले मास पता है, दोनों बॉडी का मास बिफोर कोलिजन m1 m2 पता है, दोनों बॉडी का इनिशियल वेलोसिटीज भी पता है u1 u2, तो मेरा फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी का कितना होगा निकल गया, करेक्ट, वेरी सिंपल। नाउ अभी मुझे पहला जो बॉडी था ये तो सेकंड बॉडी का फाइनल वेलोसिटी निकला, अभी पहला बॉडी का कैसे निकलेगा, इससे निकलेगा v1 इक्वल टू v2 प्लस u2 माइनस e1, v2 की जगह पे ये पुट कर दो 2a1 है ना, v2 की जगह पे या v2 की जगह पे ये वैल्यू रख दो, देखो क्या होता है। तो v2 की जगह पे अगर मैं ये पुट कर दिया 2m1 बाय m1 प्लस m2 e1 है ना, ये जो है लिखो m2 माइनस e1 बाय m1 प्लस m2 इनटू, और ये क्या है u2 माइनस e1 प्लस u2 माइनस e1, ओके। देखो इसमें और इसमें e1 कॉमन है, तो ये हो गया 2m1 बाय m1 प्लस m2 e1 कॉमन वैल्यू, तो माइनस 1 इंटू e1 हो गया प्लस, इन दोनों में u2 कॉमन है तो क्या हो गया m2 माइनस m1 बाय m1 प्लस m2 प्लस 1 u2, करेक्ट। तो ऊपर जाएगा 2 m1 में से 1 m1 गया, कितना हो जाएगा m1, और ये ऊपर जाने से माइनस हो जाएगा m1 माइनस m2 बाय m1 प्लस m2 इनटू u1, ठीक है, प्लस ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा m1 m1 कैंसिल हो जाएगा, m2 m2 ऐड हो जाएगा 2m2 बाय m1 प्लस m2, इसका डेरिवेशन है ऑलरेडी नोट्स में, तो जस्ट कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। तो मैं क्या निकाल रहा मैजिक कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर इलास्टिक कोलिजन कितना होगा निकल दिया इन टर्म्स ऑफ मास एंड इनिशियल वेलोसिटीज, ओके। तो मेरा v1 एंड v2 निकल गया, तो ये उनको रटने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा लीनियर को उसमें न्यूमेरिकल में क्या वैल्यूज लाएंगे, वैल्यू पुट करो निकालो, ठीक है। खाली इतना ही याद रखना पड़ेगा कि इलास्टिक कंडीशन में लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों कंजर्व होता है, ओके। ना कुछ स्पेशल केस कंसीडर करते हैं, कोई का कंसीडर जिसका सम स्पेशल केसेस, स्पेशल केस सपोज ये बॉडी ए है, दोनों का मास सेम है, ठीक है, और एक दूसरे से आपस में ऐसे टक्कर रहा, ठीक है, इसका वेलोसिटी u है, इसका भी वेलोसिटी माइनस u है, तो क्या होगा, तो मेरा u1 इज इक्वल टू क्या होगा इनिशियल वेलोसिटी इज u, इसका इनिशियल वेलोसिटी u2 इज इक्वल टू माइनस u, ठीक है। तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ दिस व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास हेड ऑन कोलिजन कर रहे, हेड ऑन मतलब डायरेक्ट कोलिजन कर रहे, क्या होगा v1 कितना होगा, v1 क्या है m1 माइनस m2, बट दोनों का मास तो सेम ही है, तो ये टर्म गया न्यूट्रलाइज हो गया 0 बाय समथिंग, 2m2 बाय m1 प्लस m2, तो mm हो गया। u2 क्या है, इसका इनिशियल वेलोसिटी, इसको माइनस u2 क्यों कंसीडर किया, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन जितना स्पीड से ये जा रहा उतना स्पीड से ये आ रहा, लेकिन इसका डायरेक्शन इस तरफ है, इसलिए वेलोसिटी माइनस ही गया, ओके। तो v1 कितना हो गया m1 माइनस m2, मतलब m माइनस m दोनों का मास सेम है, ये टर्म जीरो हो गया, 2m बाय m प्लस m मतलब 2m बाय 2m, u2 के जगह में क्या लिखेंगे माइनस u, तो v1 हो गया माइनस u1, इसका मतलब पहला वाला बॉडी जाएगा और उसमें वेलोसिटी ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब ये u वेलोसिटी से जाके टकरा है, इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा माइनस u, ठीक है। सो व्हेन टू बॉडीज ऑफ सेम मास collides head on, the velocity interchanges, the velocity gets transferred,
तो लेट्स सी द सेकंड पॉइंट v2 निकालो v2 क्या है फर्स्ट बॉडी का कोलिजन सेकंड बॉडी जो b बॉडी है इसका कोलिजन के बाद वेलोसिटी कहां से निकलेगा यहां से तो देखो 2m / n + n 2m / 2m u1 n minus n दोनों का मास सेम है तो वेट टर्म जीरो हो गया वेट टर्म कितना होगा 2m / 2m एंड u1 तो v2 कितना हो गया u1 u1 क्या था पहला बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u1 मतलब u ठीक है u1 तो b बॉडी का वेलोसिटी कितना हो जाएगा जितना वेलोसिटी a का था सो व्हेन टू बॉडीज ये ऑब्जेक्टिव टर्म में पूछ सकते हैं व्हेन टू बॉडीज ऑफ इक्वल मास कोलाइड हेड्स ऑन इलास्टिकली है then only the velocity gets interchange. इसका velocity इसमें आ जाएगा, इसका velocity इसमें आ जाएगा. ठीक है? Case two हो गया. Now case three. This was case two. Okay? Case three हम consider करते हैं. ये case one ही था ना? This is the first case. Case one. Now case two में क्या consider करता हूँ? Suppose ये B body मेरा M mass का है चलो. ये रेस में था ठीक है और ए बॉडी जो कि यू स्पीड से जाके इससे टकराया दोनों का मास सेम है सो व्हाट विल एंड इसका वेलोसिटी कितना है u1 is equal to u है u2 is equal to 0 मतलब सेकंड बॉडी इज एट रेस्ट एंड फर्स्ट बॉडी आके टकराया उसके वजह से बिलियर्ड के केस में क्या होता है वो फिक्स रेस्ट में है सेकंड बॉडी इक्वल मास उससे जाके कोलिजन किया क्या होगा व्हाट विल हैपन So let us see what will be the velocity of this body. है ना? केस समझ में आ गई? दोनों सेम मास है, एक रेस में है, दूसरे जाके उससे टकरा है. What will be the velocity of first? एक का velocity कितना हो जाएगा? V1. V1 यहाँ से मिलेगा. दोनों का मास सेम है. देखो, m1 minus n2 में जो जीरो होगी, m minus n. ये कितना हो जाएगा? 2m by m plus n, u2. u2 क्या है? Second body का velocity, वो तो रेस में है. तो एम वी वन कितना हो गया ये तो जीरो हो गया यू टू जीरो इसलिए ये टर्म भी जीरो हो गया एम माइनस एम दोनों का मास सेम होने से ये भी जीरो हो गया तो वी वन क्या हो गया जीरो मतलब पहला बॉडी जाके टकराएगा और इधर रेस में आ जाएगा है ना इसका वेलोसिटी जीरो हो जाएगा अच्छा सेकेंड बॉडी का वेलोसिटी कितना होगा वी टू क्या है इसका फाइनल वेलोसिटी कोलिजन के बाद ठीक है चलो इसका वेलोसिटी यहाँ से निकलता है 2m by 2m वन हो गया e1 e1 मतलब इसका वेलोसिटी u है ना m minus m by 2m u2 मतलब जीरो ये तो पूरे ही जीरो है तो मैं अगर v2 निकालूंगा इस इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ द सेकंड बॉडी v तो इसमें क्या हो गया 2m by 2m u1 u1 मतलब u तो ये हो गया u एंड सेकंड टर्म इज m minus m जीरो तो सेकंड बॉडी का वेलोसिटी हो गया u मतलब B body will start moving with the same velocity with which this body has collided with B. ठीक है? इस केस में भी क्या हो गया मेरा velocity interchange हो गया. Okay? Now case three एक consider करते हैं. तो suppose एक heavy object के साथ एक heavy दीवार है suppose ये infinite mass है एक दीवार है wall है wall is infinite mass at rest चलो इसका हम वेलोसिटी u2 मानते हैं इसका वेलोसिटी जीरो है अब इसका मास कितना है m2 इंफिनिटी ह्यूज मास वॉल इज ए ह्यूज मास अच्छा इसमें एक टेनिस का बॉल जाके कोलाइड किया तो कोलाइड किया मतलब m1 इसका मास है तो दिस मास इज मच मच नेग्लिजिबल कंपेयर टू द मास ऑफ द बॉल और इसका वेलोसिटी सपोज u1 इज तो क्या होगा व्हाट विल हैपन टू the velocity of this tennis ball. ठीक है ये निकालते हैं तो चलो केस थ्री हम कंसिडर किए तो केस थ्री क्या है व्हेन ए लाइट ऑब्जेक्ट कोलाइड्स इलास्टिकली विद अ ह्यूज ऑब्जेक्ट एट रेस्ट टेनिस बॉल कोलाइडिंग विद अ वॉल करेक्ट सो लेट अस सी पहले इसका वेलोसिटी निकालते हैं ए का तो वी वन का फॉर्मूला फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी बॉल आफ्टर कोलिशन यहाँ से निकलेगा ये क्या है m माइनस m m m1 m1 मतलब मास ऑफ द टेनिस बॉल माइनस m2 मतलब मास ऑफ द बॉल बाय m m1
mass of the gun minus mass of the gun into E1. Into E1. E1 मतलब U. 10 is ball का velocity. ठीक है? Plus 2 into by M1 plus M2 into U2. U2 क्या है? इसका velocity ball का. Ball तो rest में ही है. ये 0 हो गया. अभी mass of the ball इतना ज्यादा है, ये जो mass of the tennis ball है ना, इसको हम neglect कर सकते हैं. है ना? टेनिस बॉल का मास एकदम नेगलिजिबल है, सो नाउ वी कैन नेगलिजिबल. तो इन टू बाई इन टू कितना हो जाएगा? माइनस वन माइनस. मतलब क्या हो गया कि ये जो टेनिस बॉल इन वेलोसिटी से जाके इससे कोलाइड किया, ये माइनस इन वेलोसिटी से रिबाउंड करेगा, वापस आ जाएगा. ठीक है? सो इट्स वेलोसिटी, स्पीड इज रिमेनिंग सेम, बट ओनली द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी हैज चेंज्ड. पहले यू वेलोसिटी से जाके टकराया, अभी उसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो गया? माइनस यू. ओके, नाउ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल? चलो ये भी निकालते हैं. v2 2m1 by m1 plus m2 into u1. तो ये m1 टेनिस बॉल का मास है और ये बॉल का मास है m2. m2 इज इनफिनिट, ह्यूज ह्यूज मास. तो छोटा एक तो ये छोटा ही है, उसके ऊपर इनफिनिट मास से अगर डिवाइड करेंगे तो ये दिस बिकम जीरो. एनीथिंग डिवाइडेड बाय इनफिनिटी इज जीरो. तो फर्स्ट टर्म हो गई जीरो. एम टू माइनस एम वन बाई एम वन प्लस एम टू इंटू यू टू. यू टू क्या है? दीवार का वेलोसिटी. दीवार तो रेस में ही था, दीवार तो ये भी जीरो. मतलब ये जो वॉल है, वॉल तो वेलोसिटी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो जैसे था रेस में था, पोजिशन के बाद भी रेस में रहेगा. सो के थ्री एम कंसिडर. तो हमने क्या क्या सीखा आज? रिलेटिव वेलोसिटी सीखा, कैसे निकाला जाता है, कितने केसेस हो सकता है. ओके, हमने बहुत कॉम्प्लिकेटेड केसेस में नहीं गया, सिंपल सा इन ए प्लेन रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट किया एंड कुछ न्यूमेरिकल्स भी नहीं किया. सो व्हेनेवर यू जंप इनटू सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, देन ये सब फॉर्मूला तुमको अच्छा से कैसे डिराइव हुआ, उसका पीछे में फिजिक्स क्या है, जानना पड़ेगा. सिमिलरली अभी हमने कोलिजन देखा, कोलिजन में इनइलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम होता है, एंड फिजिक्स हेल्प्स यू टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन. ओके, सो दिस एंड्स आवर टॉपिक टुडे. थैंक यू वेरी मच. Close for him.